हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, डीएसएसपी की तरफ से आज एक नया अपडेट आया है, जैसा कि आप डेली देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से कि डीएसएसपी की तरफ से डेली रिजल्ट आ रहे हैं, तो आज भी एक रिजल्ट आया है। इसके बाद साथियों बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डीएसएसबी पिछले कुछ दिनों से रिजल्ट जारी कर रहा है, और इसको देखते हुए ये लग रहा है बिल्कुल कि रिजल्ट अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, मतलब फेब तक रिजल्ट का काम फिनिश हो जाएगा, जैसा कि डीएसएसबी ने भी कहा था। तो आज जो रिजल्ट आया है उसे देख के बहुत शॉकिंग लगा, बहुत मतलब अचंभा हुआ देख के कि ऐसा भी हो सकता है। एक पोस्ट थी, 11 कैंडिडेट्स थे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग क्रिटेरिया होता है उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब जो 40-40 मार्क्स का क्रिटेरिया होता है उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इस वजह से जो पोस्ट थी वो खाली रह गई, मतलब कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाया जिसके 40 से ज़्यादा मार्क्स थे। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे TGT बंगाली फीमेल, जिसका पोस्ट कोड है 139/17। ये DOE की भर्ती थी, DSSB के अंडर होता है DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो साथियों इसमें क्या था, जो एग्ज़ाम था 27/9/2018 को हुआ था, एक पोस्ट थी जिसमें अभी आप देख पा रहे होंगे एज पर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट, इट हैज बीन फाउंड दैट नन ऑफ द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ TGT बंगाली। तो इसमें क्या थे, 11 कैंडिडेट्स थे, एक वैकेंसी थी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो क्वालिफाई कर पाया हो एग्जाम को। तो साथियों ये आज एक नया TGT का रिजल्ट आया है, मतलब अभी TGT के रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। उम्मीद यही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर साथियों और भी कोई अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले बता दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।